समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुरादाबाद से लोकसभा प्रत्याशी युवती मीरा के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन इसी वजह से वो नहीं आ पाए। चर्चाएं ये भी है कि उन्हें डॉक्टर एस टी हसन साहब से मुलाकात करनी थी। डॉक्टर एस टी हसन साहब मेरे साथ, सांसद जी किस तरह का कार्यक्रम था, उनसे अखिलेश जी से आपकी बात हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आप सबके चैनल पे ऐलान करा था कि मैं इस चुनाव में प्रचार नहीं करूंगा। मुरादाबाद के अलावा मैं कहीं भी प्रचार करने जा सकता हूँ। मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी था, समाजवादी रहूंगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो जाहिर है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल दुखा हुआ है। अखिलेश यादव जी ने मुझसे बात करी और उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैंने कहा, जाहिर है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे कहा कि मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ लाएं और मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, तो मैं उनके साथ जाता भी। लेकिन मौसम खराब था और उनका जहाज नहीं आ पाया। अब वो 17 तारीख में फिर तशरीफ लाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कई प्लेटफॉर्म पर रुचि वीरा जी ने कहा कि डॉक्टर एस एस एन मेरे भाई हैं, मैं उनसे मुलाकात करने जाऊंगी, बावजूद उसके अभी तक वो नहीं आ रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव एरोगेंस से नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव सर झुका के लड़ा जाता है। कहने में और करने में बहुत फर्क है। ना मेरे से कोई कांटेक्ट हुआ है उनका और ना ही वो मेरे घर आई है। उनकी अपनी सोच है और उनको वैसे भी स्थानीय नेताओं की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे लड़ने आई है मुरादाबाद से। अभी जनसभा को संबोधित कर रही थी, उन्होंने मंच से पुलिस को टारगेट किया और कहा कि भाजपा के दलाल ना बने और इस तरीके से कुछ कहा, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को बिना वजह अगर रोका गया है तो पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे ये लगे कि पुलिस एक तरफा भाजपा का सपोर्ट कर। पुलिस का काम है ला एंड ऑर्डर मेंटेन करना और शांति के साथ पूरा चुनाव को संपन्न कराना। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का ये राग बहुत दिन से अलाप रहे हैं, न जाने इनको क्या करना है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सरकारें ये खुद गिराते रहते हैं, आपने देखा है कश्मीर में भी, इस बार देख लीजिए क्या हो रहा है और जगहों पर भी, ये इस कोशिश में है दिल्ली की भी सरकार गिरा दें। तो क्या इलेक्शन अपने ड्यू टाइम पे अगर होगा तो बाकी जो दिन बचे हैं, चाहे वो 4 साल हो चाहे 3 साल हो, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। हकीकत मुझे ऐसी लगती है कि शायद पार्लियामेंट का ये आखिरी चुनाव हो रहा है, इसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम देश में लागू होगा और उसके बाद चुनाव वैसे ही नहीं होंगे। तो ये पब्लिक को बहकाने की और धोखा देने की बातें। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, हमने हमेशा उसका अपोज कराया और करते रहेंगे। हमारा देश अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। मुख्तलिफ मजहब यहाँ पे फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे अलग अलग रिचुअल्स हैं, हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं। हम अपने पर्सनल लॉज से अपने आप को गवर्न करते हैं। हिंदुओं के भी पर्सनल लॉज हैं, मुसलमानों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं और रिमोट के रहने वालों के भी हैं। अगर आप एक ही करना चाहेंगे तो पहली बात तो यह है कि ये कोई मिलिट्री का स्कूल तो है नहीं हिंदुस्तान, कि आपको ये पहनना है, ये खाना है, ये करना है, ये उठना है, यहाँ बैठना है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबका हक इस देश में बराबर का है। हम पुराने पाक से फॉलो करते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं, जिससे किसी को और कोई तकलीफ नहीं हो रही। हम अपने डिसेंडेंट को अपनी प्रॉपर्टी में कैसे तरका दे रहे हैं, ये हमारा राइट है। हम अपनी बेटियों को 1450 साल से माँ बाप की पैतृक संपत्ति में राइट देते हैं, कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, ये हमारा कुरान पाक में लिखा हुआ है। जो वहां लिखा है वो हमारे लिए अटल है, हम उससे नहीं हट सकते। डॉक्टर साहब, फलस्तीन में गाजा पट्टी पर और इसराइल के बीच लगातार जंग जारी है, ऐसे में ईरान ने अब अटैक किया है इसराइल पर, इसके किस तरह के नतीजे देखते हैं आप? देखिए, ईरान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपको याद होगा कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कैसे मारा था इसराइल ने,
टारगेट कर दिए, ईरान की एम्बेसी के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, 7-8 ईरानी मर गए, दो कमांडेंट भी मारे गए उसमें। कब तक बर्दाश्त करे इंसान? ये दुनिया का गुंडा जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपको, जिसने ना बच्चों को छोड़ा, ना महिलाओं को छोड़ा, ना बुजुर्गों को छोड़ा, अस्पतालों पे जिसने बॉम्बिंग कर दी हो, अब तो यह है कि एम्बुलेंस पे रॉकेट डाल दिया हो कि इंसानियत है, इंटरनेशनल लाज है, जंग के भी लाज है। तो इस टेररिस्ट स्टेट को तो सबक सिखाना पड़ेगा सारे मुल्कों को मिलकर। ईरान ने तो बहुत थोड़ा सा किया, इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए अरब कंट्रीज की तरफ से। जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, उधर ईरान की सपोर्ट में रूस ने भी, व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने खुला स्टेटमेंट दिया है कि अगर उधर से बॉम्बिंग होती है, बमबारी होती है, अटैक होता है तो वो ईरान के साथ खड़ा है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये दुनिया जा रही है, क्या लगता है आपको? लग तो ही रहा है, ये तीसरी जंग अजीम के दहाने पे दुनिया आ गई है। हालांकि जंगों से कोई हल नहीं होता, इंसानियत तबाह होती है, लेकिन इंसानियत को उन तमाम गुंडों को, उन टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट हो या टेररिस्ट स्टेट हो, दुनिया को सबक सिखाना चाहिए। दुनिया तमाशा देख रही है कि इसराइल क्या क्या नहीं कर रहा सिर्फ अपने मकसद के लिए। मेरा देश हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया, वही मैं पूछने वाला था, फलस्तीन का हमेशा साथ दिया, लेकिन मुझे शिकायत है अपनी सरकार से कि जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई कि हमारी पार्लियामेंट से भी एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, कि हम वासुदेव कुटुंबकम के रास्ते पे चलते हैं, तो ये जो मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, हम ऐसी तमाशा देखते रहेंगे सिर्फ अपने मामूली इंटरेस्ट के लिए? तो हमें शिकायत है अपनी सरकार से भी इस मामले में, हम स्ट्रॉन्गली फलस्तीन के साथ खड़े हैं। बहरहाल ये थे हमारे साथ सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब, जिन्होंने लोकल यूपी और देश विदेश के मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन निशान के साथ अब्दुल वाजिद अमृत, मुरादाबाद।